नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। इस विषय पर मैं अपनी बात रखूंगा और आज मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय रखें। हम आज इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही दिलचस्प है। आज हम एक ऐसे द्वंद्व पर बात करेंगे जिसने पूरी भारतीयता को जिसने मथा है। यह क्या मसला है, इस पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। दो दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी और भाजपा के नेता हिमंत बिस्वा सरमा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पहले इस नोकझोंक के बारे में बता देता हूं और उसके बाद में उससे जो प्रश्न निकलेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। एनआरसी के मुद्दे पर ओवैसी भाजपा नेता का वीडियो रीट्वीट करते हुए लिखते हैं। ओवैसी क्या लिखते हैं उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यह खुली स्वीकारोक्ति है कि इस तरह असम एनआरसी का इस्तेमाल मुस्लिमों को बाहर करने के लिए किया गया। पहले इस जटिल प्रक्रिया में बगैर दस्तावेजी सबूतों के लोगों को शामिल करने के बाद अब हिमंत बिस्वा सरमा कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हिंदुओं की रक्षा की जाएगी। किसी की मान्यता के आधार पर न तो उसे नागरिकता दी जानी चाहिए और न ही वापस ली जानी चाहिए। ये शब्द हैं असदुद्दीन ओवैसी के। इसके जवाब में हिम्मत बिस्वा सरमा ने पलटवार किया। क्या कहा? अगर भारत हिंदुओं की रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा? पाकिस्तान। भारत हमेशा सताए हुए हिंदुओं का घर रहेगा, भले ही आप इसके विरोधी हों सर। ओवैसी इसका भी जवाब देते हैं। क्या लिखते हैं? भारत को सभी भारतीयों की रक्षा करनी चाहिए, न कि सिर्फ हिंदुओं की। जो लोग टू नेशन थ्योरी में विश्वास रखते हैं वे कभी नहीं समझ पाएंगे कि देश किसी एक आस्था या मान्यता से बड़ा है। संविधान कहता है कि भारत सभी धर्म और जाति के लोगों को बराबरी का दर्जा देगा। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है और न ही कभी होगा इंशाल्लाह। फिर हिमंत बिस्वा इसका भी पलटवार करते हैं। क्या कहते हैं? सर, भारत एक सभ्यता है, देश नहीं। किसी भी देश का इतिहास संविधान के साथ शुरू होता है, लेकिन सभ्यता का इतिहास तमाम चीज़ों से शुरू होता है। इंडिया जो कि भारत है वह हमेशा एक जीवंत सभ्यता थी और रहेगी। हिंदुओं की बात करें तो इंडिया 5000 सालों से अधिक समय से हमारा घर रहा है, हिंदुओं का घर रहा है। ये थी सारी बातचीत। अब इस बातचीत से कुछ प्रश्न निकलते हैं और मैं समझता हूँ कि आपके भी जहन में कोंधने लग गए हैं। वो कौन कौन से प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाजपा ने चुनावी मौसम में इस बात का ढिंडोरा पीटा कि बांग्लादेश से यहाँ पर करोड़ों घुसपैठिए आ गए हैं, उनको हम बाहर निकालेंगे। उन्होंने लिस्ट बनाई, लिस्ट में अधिकांश हिंदू थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये लिस्ट अंतिम नहीं है, अंतिम आने वाली है। जब अंतिम आ गई, 19 लाख लोग बाहर हो गए, उनमें भी अधिकांश हिंदू हैं। अब भाजपा कह रही है कि नहीं नहीं, ये भी अंतिम नहीं है, आपके पास 120 दिनों का समय है, आप नागरिकता साबित कर सकते हैं। और वहाँ के नेता कह रहे हैं कि यह लिस्ट दोषपूर्ण है। इसके पीछे की राजनीति क्या है, इसका एजेंडा क्या है? भाजपा आधिकारिक रूप से कहती है कि हम हिंदू, बौद्ध, जैन और ईसाइयों को नागरिकता देंगे, लेकिन मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि घुसपैठिए जो मुसलमान हैं उनको हम बाहर निकालेंगे, अन्यों को नहीं निकालेंगे। अब एक तरह से ये जो एनआरसी की लिस्ट है ये भाजपा के गले की हड्डी बन गई है। पहले करोड़ों की बात थी, अब लाखों की बात है, अब लाखों में भी नोकझोंक है। अब ओवैसी और हिमंत की बातचीत से एक प्रश्न निकलता है। प्रश्न ये है कि हिंदुओं का भारत 5000 साल से घर रहा है, अगर भारत रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा? हमारा कहना है कि आप रक्षा कीजिए। आपको किसने रोका है कि आप रक्षा न करें? आप हिंदुओं की रक्षा कीजिए और जोर शोर से कीजिए। प्रश्न तो ये है कि केवल आप हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं, आप मुसलमानों की रक्षा क्यों नहीं करते? अगर घुसपैठिए हैं तो हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, तो आप केवल मुसलमानों को बाहर क्यों भेज रहे हैं, जब अगर आप तमाम धर्मावलंबियों को यहाँ की नागरिकता देने के पक्ष में हैं? प्रश्न ये है। प्रश्न ये नहीं है, नहीं ये आपत्ति है कि आप हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। तो सवाल तो यही है कि सिर्फ मुसलमान ही घुसपैठिए हैं। अमित शाह ने इसको स्पष्ट किया है। अमित शाह ने कहा है कि हिंदू, बौद्ध, जैन और ईसाई ये हैं शरणार्थी, बाकी जो मुसलमान है वो है घुसपैठिए। उन्होंने सीधा नहीं कहा है, लेकिन कहा यही है।
इसलिए हमें इस द्वंद्व में नहीं रहना चाहिए कि भाजपा किन्हें शरणार्थी मानती है, किन्हें घुसपैठिया मानती है, किसको बाहर भेजना चाहती है, किसको देश के भीतर नागरिकता देना चाहती है। मुसलमानों को बाहर भेजना चाहती है, चाहे वो किसी भी कीमत पे हो। आप इनका आधिकारिक बयान या फिर इनकी पूरी कार्यप्रणाली देख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, और स्वाभाविक रूप से हमारे जहन में उठेगा कि क्या धर्म के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। मेरा मानना यह है कि कम से कम भारत के संदर्भ में तो नहीं। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर ठीक तरह से जानना है तो आपको 1947 के बाद के भारत को देखना होगा, जब हम लोकतंत्र के रूप में इकट्ठे हुए। अब 1947 से पहले जाएंगे तो बहुत से प्रश्न और उठेंगे। 1947 के बाद से जब हम सब ने मिल के ये तय किया कि हमारा भविष्य, हमारा भारत कैसा होगा, बजाय इसके कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन उस वक्त के जो नेतृत्वकर्ता थे उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर हम सहमत नहीं हैं, भारत धर्म के आधार पर विभाजन का विरोधी था, टू नेशन थ्योरी का विरोधी था। इसलिए नेहरू के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बना उसमें तमाम विचारधारा के लोग थे, कम्युनिस्ट थे, समाजवादी थे और संघ के लोग भी थे, तमाम लोगों को जगह दी थी, केवल कांग्रेस नहीं थी। हम सब ने यह तय किया था कि हमारा जो देश है 47 के बाद में वो धर्म निरपेक्ष होगा, इस राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, ना ही कोई प्रतिनिधि होगा। हिंदू जिन अधिकारों के साथ इस देश में रह सकता है उसके साथ साथ अन्य धर्मावलंबी भी रह सकते हैं, उनके साथ दो भेद नहीं की जाएगी। तो हमें इस आधार पर देखना है कि क्या हम धर्म के आधार पर नागरिकता दे सकते हैं। नहीं, हम देख सकते हैं नागरिकता कि वह इस देश में रहा है या नहीं। इसलिए कम से कम भारत के संदर्भ में यह प्रश्न अप्रासंगिक है। अब बीजेपी नेता ने सभ्यता के बारे में जिक्र किया कि हम 5000 साल की सभ्यता है, भारत देश नहीं है बल्कि सभ्यता है। सभ्यता का मतलब क्या होता है? सभ्यता का मतलब कि हम इतिहास में कितने सभ्य रहे हैं या कितने असभ्य रहे हैं। शायद वो बात कर रहे थे संस्कृति की। संस्कृति की बात करें तो मैंने संघ से सीखा है। संघ के प्राथमिक शिविर में मैं गया था, स्वयंसेवक था, तो उन्होंने सिखाया था और वो बहुत ही सुंदर बात थी। उन्होंने कहा था कि प्रकृति जो अपने आप बनी है, विकृति जो इंसान यहाँ पतन करता है, निर्माण को ध्वस्त करता है, संस्कृति इंसान मिलकर जो निर्माण करता है, जो इंसान के द्वारा जो सृजन किया गया है पृथ्वी पर वह संस्कृति। अब भारत की जो संस्कृति है वो केवल एक समुदाय ने नहीं की है या इसका निर्माण किया है, तमाम धर्म के लोगों ने, तमाम सभ्यताओं के लोगों ने यहाँ आकर इस संस्कृति का निर्माण किया है। इसका मतलब क्या है कि भारत की संस्कृति मिली जुली संस्कृति है, एक संस्कृति नहीं है बल्कि साझा संस्कृति है, और यह साझा संस्कृति हमारी विरासत है। इसका मतलब हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मुसलमानों की नहीं है केवल यह संस्कृति, नहीं हिंदुओं की है केवल, यह सब की मिली जुली संस्कृति है। इसलिए मैं भाजपा नेता से ये भी आग्रह करूंगा कि अगर संस्कृति है तो हम सब की है, और संस्कृति के हम सब नुमाइंदे हैं। कोई 5000 साल से है तो कोई 2000 साल से है तो कोई 10000 साल से है, यहाँ पर हर कोई रहता है, यहाँ पर कोई अपने साथ लेकर नहीं गया, जो कुछ भी कमाया यहीं पर छोड़ के गया, और वह संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए मुसलमान भी संस्कृति के हिस्से हैं। इसलिए रक्षा तो इस देश को मुसलमानों को भी करनी चाहिए, हिंदुओं की भी करनी चाहिए, और तमाम सताए हुए व्यक्ति की करनी चाहिए, मेरा मानना तो ये है। अब आपका प्रश्न जाहिर सा यही होगा कि मुसलमान तो विदेशी थे, वो आक्रांता थे, यहाँ पर आकर हम सबको लूटा, हम पर हमला किया। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी नहीं भी अगर आपने इतिहास पढ़ा है और इतिहास को समझा है, तो आप जानते हैं कि आर्य भी इस देश के लिए विदेशी हैं, मध्य एशिया से आए थे। आपने इतिहास पढ़ा है तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खत्म हो गई रहस्यमय तरीके से, और वैदिक संस्कृति का कैसे उद्भव हुआ, उस सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ। इसका मतलब ये है कि यहाँ के मूल निवासी और लोग थे, यहाँ पर आने वाले आर्य थे जो मूल निवासी थे, और जो हिंदू आए थे उन्होंने मूल निवासियों को अनार्य कहा और खुद को आर्य कहा। वर्तमान के अंदर जो दलित हैं, जिनको आपने शूद्र बनाया, जिनको आपने दलित बनाया, वो इस देश के मूल निवासी है। हिंदू भी यहाँ आए हैं, मुसलमान भी यहाँ आए हैं, और आए हैं तो रहने लग गए, और अब ये तो प्रश्न ही नहीं है कि वो बाहर जाएं या अंदर रहे, साथ रह रहे हैं तो रहने लग जाएं। इसका मतलब क्या है?
अगर विदेशी को बाहर जाना चाहिए तो हिंदुओं को भी जाना चाहिए, मुसलमानों को भी जाना चाहिए, यहाँ तो केवल अधिकार फिर दलितों का है, वो ही रहेंगे यहाँ पर। लेकिन उन्होंने तो मांग नहीं उठाई है। तो विदेशी होने के पीछे आप ये नहीं कह सकते आप चले जाएं, वो वर्षों की बातें हैं, वो बीत चुकी। अब हम 47 के बाद में एकजुट हो चुके हैं। अगर आप देश का मूल्यांकन करना चाहेंगे तो आपको 1947 के बाद में ही करना होगा, अगर आप भारत की बात कर रहे हैं। और अगर आप गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था, तो एक प्रश्न से 3-4 प्रश्न और उठ जाते हैं। जब आप मुसलमानों को विदेशी कहते हैं तो आपको विदेशी आर्यों को भी कहना पड़ेगा, आपको हिंदुओं को भी कहना पड़ेगा। कोई 1000 साल से, कोई 5000 साल से, ये तो है नहीं कि भाई 5000 साल वाला तो मूल निवासी है, 1000 साल वाला है नहीं, ये तो है नहीं। तो आपको खुले दिमाग से मूल्यांकन करना चाहिए कि हम किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, किन परिप्रेक्ष्यों में देख रहे हैं। ये मेरी राय है, मेरी सामान्य बुद्धि किस तरह से सोचती है, किस तरह से मैं समझता हूँ मुद्दों को, वो आपके सामने रखा है। अगर आपको ये लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला या सही भी बोला है, तो आप कमेंट बॉक्स में, आपको पहले भी कहा था कि अपनी राय जाहिर कर सकते हैं, ताकि हम इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। हम उस प्रक्रिया में हैं, अंतिम नहीं सीखा है। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि नया वीडियो अपलोड होती है आपको सूचना मिल जाएगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि इस काम को मजबूती के साथ करते जाएं। मिलेंगे फिर कल शाम को, तब तक के लिए धन्यवाद।